इंडियन प्रीमियर लीग, एक ऐसी लीग जिसके लिए हमारे देश में एक टर्म यूज किया जाता है, इंडिया का त्योहार। एक ऐसी लीग जिसके लिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर क्रिकेट फैन इंतजार करता है। जिस लीग के शुरू होते ही चाय की टपरियों से लेके सरकारी से प्राइवेट दफ्तरों तक हर जगह बस टीवी पे मैच ही चल रहा होता है। पर फिर भी इसी आईपीएल को लेके अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता रहता है कि क्या आईपीएल भारतीय क्रिकेट के स्तर को ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है या फिर भारतीय क्रिकेट के स्तर को नीचे लेके आ रहा है। लेकिन आज मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके मन से ये डाउट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पर वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो लियो द्वारा स्पॉन्सर्ड है। लियो का मतलब है लाइफ इन ऑर्डर। लियो एक ऐसा शानदार मेड इन इंडिया ऐप है जिसके प्ले स्टोर पे 2.5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक मेड इन इंडिया ऐप के इतने ज्यादा डाउनलोड्स, आखिर ये ऐप करता क्या है? आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि ये ऐप आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि लियो के मदद से आप अपने डेली लाइफ का कोई भी डेटा, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल, चाहे शादी में करा गया खर्चा हो, घर का खर्चा हो, बच्चों का सिलेबस हो, सब आप लियो ऐप में स्टोर कर सकते हैं और अपने फोन और लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही लगभग 20 से भी ज्यादा कैटेगरीज हैं जिनके लिए आप डेटा स्टोर कर पाओगे, वो भी 60 से भी ज्यादा प्री इंस्टॉल टेम्पलेट्स में। मेड इन इंडिया होने की सबसे खास बात यह है कि इस ऐप को आप 10 भाषाओं में ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के अलावा 8 रीजनल भाषाएं भी हैं। ऐप एकदम सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड ऐप है एंड सेफ डेटा को आप किसी के भी साथ पूरी सेफ्टी से शेयर कर सकते हो। आप ईमेल और फोन की मदद से अपनी शीट में पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर सकते हो। और इससे भी कमाल की बात यह है कि ये ऐप पूरे तरीके से फ्री है। तो आज ही अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाने के लिए डाउनलोड करें लियो ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब चलें अगर अपनी मुद्दे की बात की तरफ, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आज जो मैं कहने वाला हूं, वीडियो के एंड होने तक ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग उस चीज से एग्री ना करें, बट असल में जो क्रिकेट फैंस होंगे वो मेरी बातों की डेप्थ को समझ के मेरी बात से 100% एग्री करेंगे। हमारे देश में हर साल करोड़ों लोग क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं, मतलब असल भाषा में ये कहा जाता है हर इंसान कभी ना कभी दो चीज बनने के सपने जरूर देखता है, पहला क्रिकेटर और दूसरा एक्टर। तो अगर हम बात करें क्रिकेटर बनने की, आप थोड़ा सा गणित की तरफ अगर ध्यान देंगे तो एक क्रिकेटर बनने से ज्यादा मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आईआईटी में भी हर साल हजारों लोग जाते हैं, मेडिकल के टॉप कॉलेजेस में भी हर साल हजारों लोग जाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम भी हजारों लोग निकालते हैं, पर भारतीय टीम के लिए खेलने का अवसर एक टाइम पे सिर्फ 11 लोगों को ही मिलता है। सोचिए कितना ज्यादा मुश्किल है एक भारतीय क्रिकेटर बनना, कि जिस प्रोफेशन में जाने के लिए देश में सबसे ज्यादा लोग तैयार रहते, उसी प्रोफेशन में असल में देश में सबसे कम लोगों का सिलेक्शन होता है। और बहुत मेहनत करने के बाद भी जब आपका उस टीम में सिलेक्शन ना हो, पहले भी आप रणजी जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के अपना जीवन तो चला सकते थे, पर क्या कोई हमारे देश में इस डोमेस्टिक क्रिकेट को देखता है? क्योंकि दुनिया में जब भी कोई क्रिकेटर बनने की सोचता है ना, तो उसके पीछे उसका मोटिव पैसा कमाना बाद में होता है, लोग उसे क्रिकेटर के रूप में जाने ये पहले होता है। पर उसकी ये पहचान जहां 2008 से पहले किन्हीं लोकल टूर्नामेंट्स के साथ ही मर जाती थी, आईपीएल ने उसे वो मंच दिया जहां उसका टैलेंट, उसकी स्किल, उसकी टेक्निक, उसकी बैटिंग स्टाइल, उसके शॉट की ताकत, उसकी स्विंग की धार, उसकी स्पिन की मिश्री दुनिया के सामने आ सके। आज आईपीएल ही है कि हमारे देश में उगता हर एस्पायरिंग क्रिकेटर इस भरोसे के साथ क्रिकेटर बनने की सोच सकता है कि अब सिर्फ उसका टैलेंट उन 11 में ही पहुंच के दुनिया के सामने नहीं आएगा, बल्कि वो अगर हर साल उन 250 से 300 क्रिकेटर्स की लिस्ट में भी आ गया जो आईपीएल का हिस्सा बनते हैं, उनके बीच उसकी मेहनत को भी करोड़ों लोग देख पाएंगे। आपको ये जान के शायद तकलीफ होगी कि 2008 से पहले
कई बेहतरीन क्रिकेटर्स देश के इतिहास में ही समाप्त हो गए और हमें ये कभी पता ही नहीं चला कि वो कितने बेहतरीन क्रिकेटर्स थे। पर आईपीएल के बाद से आप खुद सोचिए, ऐसे कितने क्रिकेटर्स आए जो बहुत कम या शायद कभी भी इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, पर फिर भी उन्होंने अपनी पहचान की छाप दुनिया के सामने जरूर छोड़ दी। आज उस नाम के कारण ही वो ऐसे कई जरिए अपने लिए पैदा कर पाए जिससे वो आगे भी अपनी जीविका चला पाए। ऐसे कई क्रिकेटर्स के नाम पे आज कई अकेडमीज चलती हैं, ऐसे कई क्रिकेटर्स आज कई अकेडमी में एज अ ट्रेनर जुड़े हैं, पर बच्चे वहां इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे ऑलरेडी उन्हें आईपीएल की वजह से जानते हैं। पर 2008 से पहले ये हालात तक थे कि जो क्रिकेटर इंटरनेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन पाते थे उन्हें अपना कागज लेके जाना पड़ता था कि भैया हम भी क्रिकेट खेले हैं। इससे भी आगे जाएं तो हम अक्सर एज अ व्यूअर क्रिकेट में एक लाइन का इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर जाते हैं कि साला सब पॉलिटिक्स है। चलिए मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं कि है पॉलिटिक्स, पर मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आईपीएल से पहले पॉलिटिक्स नहीं होती होगी? विराट कोहली खुद कितनी बार ये चीज कह चुके हैं कि एक लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में सिलेक्शन के लिए उनके पिता से पैसे मांगे गए थे, पर उनके पिता ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो देखिए, पॉलिटिक्स तब भी थी, पर दुख की बात ये नहीं है। दुख की बात ये है कि अगर किसी क्रिकेटर के साथ तब पॉलिटिक्स होती थी तो दुनिया को पता तक नहीं चलता था। पर आज अगर एक नॉन डिजर्विंग प्लेयर टीम का हिस्सा होता है या डिजर्विंग प्लेयर टीम का हिस्सा नहीं होता है, तो एटलीस्ट जनता इस चीज पे रिएक्ट तो कर पाती है क्योंकि जनता ने उसे खेलते हुए देखा है, चाहे उसने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो या ना खेला हो। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमिटी पे भी इस चीज का प्रेशर होता है कि सिलेक्शन को करते वक्त उन्हें ये याद रहे और अक्सर ध्यान रहे कि बाहर बैठी जनता बड़े अच्छे से जानती है कि कौन जगह डिजर्व करता है कौन नहीं। ये उन क्रिकेटर्स को भी तसल्ली देता है जो बाहर उस जर्सी को धारण करने का सपना देख रहे हैं। तो जब भी आप या हम आईपीएल को या किसी चीज को बिना कुछ सोचे या बिना किसी तर्क के उस पे नेगेटिविटी करने लगे, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि उस चीज को थोड़ा सा और समझें, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी तो ऐसी है, आप नहीं भी ढूंढना चाहेंगे वो आपको खुद ढूंढ लेगी, पर पॉजिटिविटी बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत मुश्किल से दिखती है। पॉजिटिविटी को घंटों लगा के ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उससे भी बढ़कर हमेशा किसी भी चीज के पॉजिटिव पक्ष को समझने के काबिल बनना पड़ता है। तो आपसे यही कहूंगा कि कभी भी आईपीएल को पूरे तरीके से नकारने से पहले हमेशा एक बार उस क्रिकेटर से जरूर पूछिएगा जो असल में आईपीएल खेला है, और अगर वो भी नहीं कर पाए तो सिर्फ एक बार उस इंसान से पूछिएगा जो किसी दिन भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखता है। असल आईपीएल की कीमत वो आपको खुद ही बता देगा। बाकी अगर मेरी बात आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आप मेरी बात से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं खुल के कमेंट में जरूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से लियो का ऐप डाउनलोड कर अपनी लाइफ को बहुत आसान बनाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल जोशी तो बोलेगा को नहीं सब्सक्राइब करा है, जहां पर रोज बहुत अमेजिंग वीडियोस आती हैं क्रिकेट वर्ल्ड की, जो भी करंट इवेंट चल रहे हैं उसको लेके बहुत ही अमेजिंग तरीके की वीडियोस आती हैं जिस तरीके की यहां भी नहीं आती हैं, तो डेफिनेटली उस चैनल को अभी के अभी चेकआउट करें और सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, बिना वेट करे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जबरदस्त अमेजिंग वीडियोस आपके लोग के लिए आती रहें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।